हमारा 85,000 को कह रहे हैं। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने ले, इतना जनता ले नहीं बनवाए हैं कि हम सब को टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, जन बाहर मने इधर टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, अब अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत कष्ट है भैया। दुख की चीज का है, जब राम का मंदिर बन रहा है तो हमारा भी चला गया, तो कोई तकलीफ हमको नहीं। Preparations are in full swing in the temple town of Ayodhya as the city gets ready for the consecration ceremony of the Ram Mandir on January 22nd. Once a town of dilapidated buildings and old temples, Ayodhya is now in an unrecognizable form of its earlier self. Redevelopment projects worth crores of rupees are in the pipeline as the city transforms to accommodate devotees who will visit the newly built temple. A 13-kilometer stretch from Faizabad to Saryu Ghat in Ayodhya has been widened, cutting down parts of houses and shops on the way. In the month of November, devotees perform parikramas in and around Ayodhya. तीन परिक्रमा है, 5 कोसी, 14 कोसी, 84 कोस। हम 5 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान का इच्छा हुआ तो करने लगे। तीन परिक्रमा के एक फैसला हो गया राम जन्मभूमि का। जब भगवान टेंट में थे, हम महल में आएंगे, इससे खुशी और क्या। द पंचकोशी परिक्रमा इज द 16 किलोमीटर स्ट्रेच अराउंड द राम टेंपल दैट इज बीइंग वाइडेंड। ये जो रोड देख रहे हैं 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, तो शुरू से यहाँ पर जो है परिक्रमा चल रहा था, तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि यहाँ पर रोड छोटी है तो यात्री लोग ज़्यादा आएंगे। राम जी का मंदिर बन गया है, 22 जनवरी को मोदी जी आ रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, तो यात्री ज़्यादा आएंगे, इसीलिए रोड की चौड़ीकरण की तो बात तो सही है कि चौड़ीकरण होना चाहिए। तो जैसे कि पता चला था कि इधर से ही परिक्रमा जाएगा, जो राम जी की परिक्रमा होती है 14 कोसी 5 कोसी, तो इसीलिए रोड चौड़ा किया गया था। तो अभी कुछ दिन से पता चल रहा है कि पीछे से जाएगी, तो यहाँ पर मकानें टूटी हैं, लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं मिला है जो मुआवजा मिलना चाहिए था। द अथॉरिटीज डेमोलिश्ड पार्ट्स ऑफ हाउसेज एंड शॉप्स एंड हैव आस्क्ड द रेसिडेंट्स टू टेक डाउन अ टेंपल ऑन द रूट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द न्यू राम टेंपल। एक मंदिर टूटने वाली है, करें अपने हाथ से टूटे, अपने हाथ से नहीं टूटे। यहाँ हमारा चक्रतीर्थ महादेव का मंदिर था, यहाँ शिवाला था, मंदिर बनाया गया था, और ये बाउंड्री थी, और ये सब टूट गए, गेट निकलवा के बाहर करा दिया। मंदिर लेके कहाँ जाएंगे जब जमीन कहीं नहीं है, तो जब जो चीज मेरे पास है वहीं पर विराजमान कर दिया हूँ। जो जगह मंदिर तो बनने का हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे। उनको मंदिर बनवा रहे तो केवल जनता के दर्शन करने के लिए बनवा ले हैं, जनता का सब उन्हें उछिंद नहीं करना चाहते, तो जनता लोग को उछिंद कर रहे हैं वहाँ। देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये जनता की ही चुन करके उनको राजा बनाया, तो राजा का काम है प्रजा का रक्षा करना। राम के राज्य में राम जी राजा थे, तो राम जो है भेष बदल करके जनता के दरबार में जा करके देखते थे कि हमारा जनता सुखी है कि दुखी है, हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा, तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है। मोदी सरकार कोई गलत नहीं किया भैया, करें तो कोई जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकता रहा, मोदी सरकार ने मंदिर बनवाया, झूठ नहीं किसी को कही।